ओके, जो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर थर्ड है, आज का जो टॉपिक है मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिसीज़। ठीक है, जो प्लांट डिसीज़ को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे डायग्नोज करते हैं, तो ये दो पार्ट में करेंगे। आज पार्ट फर्स्ट होगा और सेकंड पार्ट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिसीज़। डिटेक्शन, डिटेक्शन का क्या मतलब है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कंसर्न। ठीक है, प्लांट में कुछ प्रेजेंट है, उपस्थित है, उस चीज़ को अपन डिटेक्ट कर रहे हैं उसको। डिटेक्ट, डायग्नोज, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस और अदर प्रॉब्लम बाय एग्जामिन ऑफ द सिम्टम। सिम्टम के बेस पे जो एग्जामिन करेंगे उसको डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज मतलब कि जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अगर अपने को कोई बीमारी है, बुखार है, तो वो डायग्नोज करता है, हाथ को पकड़ के देखता है। ठीक है, तो ऊपर से ये जो एग्जामिन कर रहा है वो डायग्नोज कहलाएगा। और डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन डिसीज को डायग्नोज करने के लिए जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं उसको डिटेक्शन बोलते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स का ही एग्जाम्पल अपन लें। अगर प्लांट्स में कोई विल्ट डिसीज लगी हुई है तो सामने से जो दिख रहा है वो डिसीज़ का डायग्नोज है, और उस चीज़ विल्ट का पैथोजन ढूंढने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर अपना रहे हैं, वो उसका डिटेक्शन है। प्राइमरी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जो शुरुआती जो डायग्नोज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि बेसिकली क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। ना तो इसमें किसी मॉलिक्यूलर लैब की ज़रूरत है, ना मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। प्राइमरी बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जिनके बेस पे हम डिसीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। अ फ्यू सिंपल टूल्स आर यूजफुल फॉर प्राइमरी डायग्नोज ऑफ प्लांट डिसीज। दिस इंक्लूड्स हैंड लेंस। हैंड लेंस आप लोगों ने देखा होगा, जो सिंपल लेंस होता है, हाथ से जो रहता है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। कोई भी जो प्लांट है, प्लांट में अगर डिसीज दिख रही है तो लेंस की सहायता से हम उसके स्पोर को दे जो स्पॉट जो है स्पॉट को हम देख सकते हैं। हैंड लेंस से हो सकता है आपको जो फंगस वगैरह है उसके स्पोर्स वगैरह भी दिख जाएंगे वहाँ पर, और फंगस की ग्रोथ भी दिख सकती है। शार्प नाइफ, एक शार्प नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। शार्प नाइफ की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अगर कोई इंटरनली डिसीज़ है, मान लो विल्ट डिसीज़ है, तो विल्ट को देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्टेम को चीरना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। तो उसको चीरने या फाड़ने के लिए एक शार्प नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक क्लीन ग्लास कंटेनर और जार। क्लीन ग्लास कंटेनर और जार की आवश्यकता इसलिए है कि अगर कोई बैक्टीरिया का सैंपल है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो आप सभी को पता होगा कि जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो डिसीज़ पोर्शन से अगर हम प्लांट को काटते हैं और काटने के बाद अगर पानी में उसको रखते हैं, तो जो बैक्टीरियल जो सेल्स हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो उनकी ओजिंग होती है। ओजिंग मतलब वो लीव से बैक्टीरियल की सेल निकलती है, धुंध के रूप में निकलती है और वो पानी में आती है। तो अगर एक ग्लास का कंटेनर आपके पास में है, तो आप फील्ड में अगर जाएंगे, फील्ड में कोई सिम्टम आपको ऐसा लग रहा प्लांट का कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ का है, तो उसको आप काटिए और वो जो जार है, कंटेनर है, उसमें साफ पानी भरा हुआ है, उसमें आप अगर मतलब वो सैंपल को डुबाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो डूबा हुआ पोर्शन है या कटा हुआ पोर्शन है, वहाँ से बैक्टीरियल की ओजिंग होती है, वो बैक्टीरिया की सेल होती है। फिर प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर और अल्कोहल। प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर इसलिए ज़रूरी है कि जब डिसीज की मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे या डिसीज के सर्वे के लिए जाएंगे, तो सर्वे में हमें बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे जो डिसीज्ड होंगे, ठीक है, तो उनका सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें एक प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्टोरेज कंटेनर में हम जो भी डिसीज़ हमको दिख रही है प्लांट्स की, उसमें कंटेनर में हम रख लेंगे, और बाद में उस कंटेनर का यूज़ हम जो प्लांट में जो फंगस है उसकी ग्रोथ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मॉइस्ट चैम्बर बना सकते हैं। मॉइस्ट चैम्बर में क्या होगा, अगर अंदर मॉइस्चर है तो जो फंगस में फंगस की ग्रोथ चालू हो जाएगी, और जो स्पॉट है उसके चारों तरफ फंगस की ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। अब जनरली क्या होता है, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी डिसीजन जो हमें कंफ्यूज करती हैं, मतलब सिम्टम हमें देखने मिलते हैं,
सिम्टम देख के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये प्लांट पैथोजन के द्वारा है, इंसेक्ट के द्वारा है, या एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर है, तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे कि ये पैथोजन के द्वारा हो रही है या इंसेक्ट का डैमेज है या फिर कोई एनवायरनमेंट फैक्टर के कारण ये डिजीज दिखाई दे रही है। ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, अगर दूर से आप देखेंगे, नेकेड आईज से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई डिसीज है, परंतु जब उसको हम लेंस से देखेंगे, हैंड लेंस से देखेंगे, तो पता चलेगा कि वो इंसेक्ट हैं। ये देखिए एक लीफ स्केल इंसेक्ट है, ये दिख रहा है, अगर आपने प्लांट्स वगैरह देखा होगा तो उसमें ये लीफ में ये लीफ स्केल लगता है, तो दूर से ऐसा दिखेगा कि कोई डिसीज है, पर जब बहुत माइन्यूट उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लीफ स्केल। उसके बाद ये दूसरा फोटोग्राफ्स है जो कैटरपिलर डैमेज का है, इसमें आप देख रहे हैं कैटरपिलर, देखने से बिल्कुल एक नज़र से समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिसीज के सिम्टम है या किसी कैटरपिलर के डैमेज के बाद बने हुए हैं। फिर ये थर्ड फोटो है, ये देखिए आपने अगर ये देखा होगा शूटी मोल्ड, शूटी मोल्ड अगर आप देखना चाहें तो जैसे मैंगो का प्लांट है, मैंगो के प्लांट में लीफ देखेंगे तो लीफ ऊपर से काली काली दिखाई देती है, ब्लैकनिश दिखाई देती है, तो ये जो काला काला है ये एक नज़र में आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या है, तो ये शूटी मोल्ड होता है। तो शूटी मोल्ड एक्चुअली एक फंगस है, लेकिन इंसेक्ट और फंगस दोनों का एसोसिएशन से होता है, ठीक है। इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं, हनी ड्यू यानी उनके जो बॉडी से है मीठा मीठा जो द्रव है वो निकलता है, तो ये जो मीठा द्रव जो है ये प्लांट के ऊपर चिपक चिपका रहता है, और प्लांट के लिए चिपका रहता है तो ये जो शूटी मोल्ड है उसके लिए आइडियल कंडीशन हो जाती है उसके ग्रोथ के लिए, और शूटी मोल्ड ये ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। उसके बाद कुछ जो एबायोटिक फैक्टर है जो जनरली डिसीज के साथ कंफ्यूज करते हैं और डिसीज के डायग्नोज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, डायग्नोज और डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये सिम्टम देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो एबायोटिक डिसऑर्डर हैं, जैसे एबायोटिक मतलब टेम्परेचर के कारण, आप देखिए टेम्परेचर के कारण ये टोमेटो का प्लांट है, टोमेटो के प्लांट में ये फ्रीज डैमेज है, फ्रीज का मतलब है ये ठंड के कारण, बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है तो ये जो टोमेटो का प्लांट्स है इसमें ये देखिए पत्तियाँ ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये इसमें किसी प्रकार की ब्लाइटिंग हो गई हो, ठीक है, एक नज़र में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ब्लाइटिंग है, लेट ब्लाइट है, परंतु ये इसको एग्जामिन करेंगे तो ये फ्रीज डैमेज है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ही ठंड होने के कारण इस प्रकार का डैमेज आ जाता है। दूसरा ये फोटोग्राफ है, ये पेपर फ्रूट्स है जिसको चिली भी बोलते हैं, चिली में आप ये देख रहे हैं ये इस प्रकार का स्पॉट दिख रहा है, तो आप जैसे ये देख रहे हैं ये स्पॉट देख के आपको लगेगा कि ये एंथ्रेक्नोज है, जबकि ये एंथ्रेक्नोज नहीं है, ये सन स्केल्ड डैमेज है। सन स्केल्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सन के कारण ये सनबर्न हो जाता है, इंजरी हो जाती है, और ये इस प्रकार का ये स्पॉट दिखाई देने लगता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके साथ में है, एक लो टेम्परेचर का है, एक हाई टेम्परेचर का है। उसके बाद मॉइस्चर, मॉइस्चर मॉइस्चर अगर ज़्यादा है या कम है उसके साथ ही ये इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। ये देखिए ये ड्रॉट स्टेट, ड्रॉट स्ट्रेस है, मतलब सूखे के कारण ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, ये लीफ आपको दिख रही है, लीफ में ये ऊपर से ये बर्निंग जैसा लग रहा है, जैसे बर्निंग है, या एक नज़र में देखें तो आप ब्लाइटिंग जैसे लगेगा, तो जनरली फार्मर्स वगैरह सैंपल लेके आते हैं तो, या आप भी फील्ड में जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि ये पैथोजन के द्वारा हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, तो आप देखिए ये बर्निंग जैसे दिख रहा है, जबकि अगर इसका डिटेक्शन करेंगे या डायग्नोज करेंगे तो क्या होगा, ये ड्रॉट के कारण स्ट्रेस हो रही है, ड्रॉट के कारण, सूखा के कारण हो रहा है, ये जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी है जिसके कारण ये पौधा ऊपर से सूखना चालू हो गया है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ये एक्सेस वाटर, यदि क्रॉप में है, ये फाइकस का प्लांट है, यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो गया था, यानी कि जहाँ भी ये प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, जब ये पानी भर जाता है तो ये ऊपर से ये पौधा ये सूखना चालू हो जाता है, तो ये सूखने का जो सिम्टम है ये एक्सेस वाटर के कारण हो रहा है, ना कि किसी विल्ट डिसीज के कारण हो रहा है या किसी पैथोजन के कारण हो रहा है।
ये आइडेंटिफिकेशन है मॉइस्चर का, आप देख लीजिए ड्रॉट का है, एक्सेस वाटर का है, और फिर सनलाइट का है। सनलाइट यानी बहुत तेजी धूप पड़ रही है, प्लांट आपका बाहर है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो लीफ है उसमें बर्निंग चालू हो जाती है। देखिए ये सनबर्न पाम का प्लांट है, ये इसमें ये सनबर्न के ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा बर्निंग आपको दिखाई दे रही है, ये सनबर्न के सिम्टम है ये। और फिर कुछ सिम्टम होते हैं जो न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी के कारण होते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी के सिम्टम भी बिल्कुल पैथोजन से जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं लगभग उसके जैसे ही दिखते हैं, पर उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ है, इसमें ये पोटेशियम की कमी से ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पूरा पीला पीला दिख रहा है, बीच बीच में स्पॉट दिख रहा है, तो ये पोटेशियम के की कमी के सिम्टम है। दूसरा ये जो फोटोग्राफ है इसमें ये मैगनीज की डिफिशेंसी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए ये किनारे से ये जो नॉर्मल जो लीफ रहती है ग्रीन रहती है, लेकिन ये अगर मैंगनीज की डिफिशेंसी है तो आप देखिए ये जो जो वेंस हैं, वेंस हरी हैं, और जो बीच का जो इंटरवेनल पार्ट है वो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्लियर ही बिल्कुल इसमें वेंस बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। इस टाइप के अगर सिम्टम फील्ड में दिखाई देते हैं तो आप डायग्नोज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डिसीज़ है ये सिम्टम दिखाई दे रही है मैंगनीज की कमी का। उसके बाद कुछ पेस्टिसाइड्स के कारण भी जो प्लांट में फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, वो कुछ पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड्स से भी देखिए आप ये 2,4-D के कारण ये जो लीची का प्लांट है उसमें ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये सिम्टम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी वायरस के कारण हो रहा है या माइकोप्लाज्मा के कारण हो रहा है, परंतु तो आप ये देखिए 2,4-D के सिम्टम है। ये 2,4-D एक हर्बिसाइड होता है, जनरली जो हम वीड्स वगैरह को किल करने के लिए डालते हैं, परंतु तो वीड्स को जब हम किल करते हैं तो कुछ छींटे प्लांट्स के ऊपर भी आ जाते हैं, और प्लांट्स के जब ऊपर आते हैं स्पेशली लीची का प्लांट है अगर इसके ऊपर आ जाएगा 2,4-D तो इस प्रकार के सिम्टम आपको दिखाई देंगे। सेकेंड से जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये टोमेटो प्लांट का है, टोमेटो प्लांट में आप ये वेंस देखिए, वेंस जो है बिल्कुल लाइट कलर की हो गई है, ये ग्रीन प्लांट दिख रहा है लेकिन बीच में लाइट वायलेट कलर की दिखाई दे रही है, तो ये भी हर्बिसाइड्स के कारण मतलब कि इस प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रही है। फिर टाइप्स ऑफ पैथोजन, कितने प्रकार के पैथोजन होते हैं। टू डायग्नोज प्लांट डिसीज इफेक्टिवली इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टूड द बायोलॉजी ऑफ द माइक्रोजनम दैट कॉज देयर। जो भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी पैथोजन के कारण हो रहे हैं, अगर बायोटिक है तो वो पैथोजन के कारण हो रहे हैं, और वो पैथोजन फंजाई बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। तो फंजाई है तो मोस्टली 85% जो डिसीज है वो फंजाई के कारण होती है, प्लांट्स में जो डिसीज हो रही है 85% जो डिसीज है वो फंजाई के कारण हो रही है। फंजाई क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम होता है, इसको कभी कभी हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, कुछ स्टेजेस जो फंजाई की होती हैं, फंजाई की जो लाइफ साइकिल है उसकी जो कुछ स्टेज हैं, सभी फंगस की नहीं, कुछ फंगस जो होती है उसकी हम देख सकते हैं, नेकेड आइज से देख सकते हैं स्टेजेस। उसके बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आप लोगों को मालूम है कि बैक्टीरिया ये वन सेल या सिंगल सेल ऑर्गेनम होता है, एक ही सेल होती है इसमें, बहुत ही स्मॉल होता है, और ये जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा आपको, एक इसको देखने के लिए एक पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। फंगस क्या था कि ये नेकेड आई से भी इसके कुछ स्पोर देख सकते थे, लेकिन जो बैक्टीरिया है इसके लिए एक पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मोस्टली जो प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स वगैरह नहीं बनाते हैं, मोस्टली जो प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया। उसके बाद वायरस है, वायरस बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, ये जो दो पैथोजन हैं जितनी है इनके कंपेयर में ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा होता है, और इसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये दिखाई नहीं देगा, हैंड से भी नहीं दिखाई देगा, इसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आप वायरस देख सकते हैं, वायरस के भी आप जो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। अब जो डिसीज़ के डिटेक्शन और डायग्नोज में दो चीज़ें हैं, एक सिम्टम होता है दूसरा साइन होता है, सिम्टम और साइन में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है कि सिम्टम हम किसको बोलते हैं और साइन किसको बोलते हैं। तो सिम्टम देखिए, अ सिम्टम इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय पैथोजन,
किसी भी प्लांट में अगर पैथोजन लगा हुआ है तो उसके कारण जो भी मतलब कि डैमेज के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, अब मान लो अगर सॉइल में कोई पैथोजन है, रूट में अटैक किया और प्लांट में उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि विल्टिंग हो गई है उसकी, सूखना चालू हो रहा है, तो जो अपन आँखों से देख रहे हैं सिम्टम जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सिम्टम है उसके। और सेकेंड, जैसे सिम्टम आर एबनॉर्मल फीचर ऑफ प्लांट्स दैट इंडिकेट समथिंग इज रॉन्ग। सिम्टम ये कि कुछ प्लांट में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण मतलब कि प्लांट्स इंडिकेट कर रहा है, या तो विल्टिंग हो रही है, स्पॉट बन रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो हो सकते हैं, फ्लोरोसिस हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकता है, विल्टिंग हो सकती है, स्टंटिंग हो सकती है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, लॉस ऑफ विग्रस हो सकता है, प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें कमी आ जाएगी। ये सारे ये सिम्टम्स हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं सिम्टम्स के हैं। सिम्टम्स देखिए, ये स्पॉट ऑन लीफ, लीफ के ऊपर स्पॉट दिख रहा है, ये सिम्टम है। ये ब्लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सिम्टम। सिम्टम के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो स्पॉट जो दिख रहा है ये बैक्टीरिया से हो रहा है या फंगस से हो रहा है। केवल आपको ये दिखेगा कि हाँ कुछ प्लांट में गड़बड़ चल रही है, उसी के ये सिम्टम है, लेकिन वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे कि ये बैक्टीरिया का है या फिर फंगस के कारण है। ये देखिए ड्राई रॉट, अब ये ड्राई दिख रहा है, आप अपने को समझ में आ रही है कि रॉटिंग है, लेकिन ये रॉटिंग बैक्टीरिया से हो रही है या फंगस से हो रही है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये गॉल्स हैं, गॉल्स भी, गॉल्स केवल दिख रहे हैं अपने को, ये सिम्टम दिख रहे हैं डिसीज के, लेकिन जो पैथोजन है उसका पता नहीं लग पाएगा। तो ये जो कि प्लांट को ये चीर के अंदर ये देखा गया है, तो इसके अंदर ये वास्कुलर ब्राउनिंग दिख रही है, ये ब्राउनिंग जो दिख रही है, तो ब्राउनिंग भी ये जो होती है ये फंगस से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है, तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, केवल ये दिख रहा है कि इसमें पैथोजन है। उसके बाद फ्रूट रॉट है, फ्रूट रॉट ऑफ चिली, ये देखिए ये रॉटिंग है, इसमें ये टारगेट बोर्ड जैसे आपको ये दिख रहा है, गोल गोल रिंग दिख रही है, ठीक है, तो ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। ये सिम्टम किसके हैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ हैं कुछ तो नेकेड आई से बता सकते हैं, जैसे ये सिम्टम ये जो रिंग दिख रहा है ये एंथ्रोक्नोस का है, लेकिन जो ले पर्सन है, फार्मर वगैरह है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साइन, ये सिम्टम हो गया। अब साइन क्या होता है, अ साइन इज एनी विजुअल पार्ट ऑफ द एक्चुअल पैथोजन, ठीक है, जो साइन जो है जो पैथोजन का एक्चुअल पार्ट अगर दिखाई दे रहा है, पैथोजन के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, पैथोजन का माइसीलियम हो सकता है, ठीक है, पैथोजन का स्पोर्स हो सकते हैं, या पैथोजन की कोई फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है, अगर ये सभी नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं तो ये है कि वो डिसीज के पैथोजन के साइन है, ठीक है। अगर एस्क्लेरेशिया दिख रहा है तो एस्क्लेरेशिया के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये एस्क्लेरेशियम रॉल्साई फंगस है जिसके कारण एस्क्लेरेशिया बन रहे हैं, या पाउडर जैसे आपको दिख रहा है ऊपर तो समझ जाएंगे कि पाउडर मिल्ड्यू है, इसका जो फंगस है वो एरिसाइफी है, तो ये साइन है, जो पैथोजन है वो साइन दे रहा है, स्पोर ऑफ द फंगस, फंगस आई थी। फिर अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को अगर वैसा बोलो कि बैक्टीरिया का जो सैंपल लेके आएंगे उसको कट करके पानी में अगर डालेंगे तो बैक्टीरिया की स्ट्रीमिंग दिखाई देगी, बैक्टीरियल ऊज निकलता हुआ दिखाई देगा, तो उससे पता लगा लेंगे कि ये बैक्टीरिया के साइन है। फिर पैरासिटिक प्लांट पार्ट होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो वो भी दिखता है, वो भी साइन होते हैं। नेमेटोड्स हैं, नेमेटोड्स के सिम्टम कैसे दिखाई देंगे, कि नेमेटोड्स के एग्स आपको दिखाई देंगे, नेमेटोड की गॉल्स दिखाई देंगी, तो ये सब ये पैथोजन के साइन है, ठीक है। साइन में देखिए आप, ये पॉजिटिव डायग्नोज ऑफ प्लांट डिसीज ऑफन डिफिकल्ट नियरली इम्पॉसिबल टू बेस द बेसिस ऑफ सिम्टम, ठीक है, सिम्टम के बेस पे आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा पैथोजन उसके अंदर है। सिम्टम ऑफ स्पेसिफिक डिसीज एंड समथिंग एवाइटिंग डिसऑर्डर ओवरलैप। अब क्या होता है कि नेकेड आई से अपन देखेंगे तो सिम्टम अपने को दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स में, परंतु कभी कभी जो एबायोटिक डिसऑर्डर है, एबायोटिक यानी जो जिसमें किसी प्रकार का पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, एनवायरनमेंट के कारण है, सॉइल के कारण है या वाटर के कारण है, ठीक है, तो ये आपस में कभी कभी ओवरलैप करते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये पैथोजन के कारण हो रहे हैं क्या हो रहा है, तो उसके लिए साइन का बहुत ज़रूरी है, पैथोजन का साइन मिलना चाहिए। साइन में पैथोजन का एक्चुअल पार्ट का दिखना बहुत जरूरी है।
अब देखिए ये फंगल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ में ये देखिए लीफ रस्ट है, लीफ रस्ट का ये एग्जांपल है, फोटोग्राफ है। लीफ रस्ट में आप देखेंगे ये जो लीफ है, लीफ में आप ये देख रहे हैं रस्ट दिखाई दे रहा है। रस्ट आप समझते हैं, रस्ट को जो हिंदी में बोलते हैं जंग बोलते हैं। किसी लोहे को भी उठा के अपन देखेंगे और हाथ से छुएंगे तो हाथ में ब्राउन कलर का पाउडर लग जाएगा, उसको जंग बोलते हैं। वैसे ये जो लीफ में जो रस्ट लगा हुआ है ये भी जंग जैसे रहता है। और ये आपको देखिए ये फंगस के ये स्पोर्स हैं, ये जितना भी आप ये देख रहे हैं फंगस के स्पोर्स हैं, इसको आप छुएंगे तो हाथ में स्पोर्स आपको लग जाएंगे। तो ये फंगस का साइन है, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये फंगल डिसीज़ है और ये जो फंगल डिसीज़ है ये रस्ट है, तो ये पैथोजन का साइन है। अगला फोटोग्राफ देख रहे हैं, फंगल ग्रोथ एंड स्क्लेरोसिस। ये स्टेम आप देख रहे हैं, स्टेम में ये वाइट कलर की फंगस की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में अगर कोई भी प्लांट उखाड़ के देखेंगे, जैसे अरहर का प्लांट हो गया, तुअर का प्लांट हो गया और दूसरे भी प्लांट्स हैं जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, वाटर अगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो प्लांट्स को उखाड़ के देखेंगे, या प्लांट के कॉलर रीजन में आप देखेंगे या रूट में देखेंगे तो ऐसी वाइट कलर की फंगस की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। ये फंगस की ये जो ग्रोथ है ये फंगस का माइसिलियम है, और अगर फंगस मैच्योर हो चुका है, डेवलप हो चुका है, तो ये फंगस का स्क्लेरेशिया भी बनना चालू हो जाएगा। स्क्लेरेशिया आप समझते हैं, ये राई के दाने के जैसी संरचना होती है, जैसे राई होती है अपन घर में यूज़ करते हैं, राई के दाने होते हैं, उसी दाने के समान ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फंगस का, जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसका जो नाम है स्क्लेरेशिया। तो ये स्क्लेरेशिया को देख के और फंगस का माइसिलियम देख के हम बोल सकते हैं ये फंगल डिसीज़ है और ये स्क्लेरेशियम रॉल्फ्साई के कारण हो रही है। उसके बाद देखिए कुछ ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने ये कुकर कुकर बिट्स रहती हैं, क्रूसीफर फैमिली की कोई भी क्रॉप है, क्रूसीफर में जैसे पत्ता गोभी हो गया और कोई भी गोभी क्रॉप में आप देखेंगे उसके लीफ में देखेंगे तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ रहती है। जब लीफ को अपन पलट के देखेंगे तो ये छोटे छोटे से ये ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ये ड्रॉप दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स। तो जनरली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अपने को लगता है कि ये जो ओस की बूंद है, ये ओस की बूंद नहीं है, एक्चुअली ये क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिसीज़ है और बैक्टीरियल की ये ऊजिंग है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया लीफ में है तो ये बैक्टीरिया की जो बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल्स ये ड्रॉपलेट्स के रूप में ये बाहर आ रही है। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसकी स्टेनिंग करेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया की लाखों करोड़ों सेल्स दिखाई देंगे, सिंगल सेल दिखाई देंगे, ये ड्रॉपलेट ऑफ बैक्टीरियल ऊज है। फिर दूसरा जो टेस्ट है जो बैक्टीरियल डिसीज का है, ये देखिए आप, अगर स्टेम में कोई वास्कुलर बिल्ट है और बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो स्टेम को काटेंगे, ये शार्प नाइफ से इसको काट देंगे। काटने के बाद एक ग्लास है, वाइट कलर का ग्लास है या कोई जार है, उसमें बिल्कुल क्लीन वाटर भरेंगे, साफ वाटर भरेंगे और उसमें ये स्टेम को डुबाएंगे अंदर। जब हम डुबाएंगे तो ये जो कटा वाला पोर्शन है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इस तरह की ये स्ट्रीमिंग निकलनी चालू हो जाएगी। स्ट्रीम जैसे अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाने के बाद उसका धुआं निकलना चालू हो जाता है ना, तो वैसे ही इसमें जैसे आप डुबाएंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये ऊजिंग निकलना चालू हो जाएगा। ये जो ऊजिंग है ये क्या है, बैक्टीरियल का ऊज है, मतलब बैक्टीरिया सेल्स हैं, ये बैक्टीरिया सेल्स हैं और ये अंदर से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं और ये पूरे पानी में फैल जाएंगी, पूरे पानी में। इस पानी की सिंगल ड्रॉप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो आपको जरूर उसमें बैक्टीरियल सेल्स आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये देखिए नेमेटोड्स है, नेमेटोड नेमेटोड आपने देखा होगा, ये सॉइल में रहता है, ये देखिए नेमेटोड है, नेमेटोड ये बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, ये इसकी टेल दिख रही है और यहाँ पे ये हेड इसका घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के अंदर ये घुसा हुआ है। जब इनिशियल स्टेज होती है नेमेटोड्स की, L1 L2 L3 L4 तक जाता है, तो L1 जो होता है वो एग के अंदर ही हो जाता है, L1 जो लार्वी जो रहती है, जब एग रहता है एग के अंदर ही लार्वी रहती है और उस एग के बाहर L2 निकलता है। जब ये L2 बाहर निकलता है तो ये अगर रूट है, रूट की एपिडर्मिस से ये अंदर चला जाएगा। ये एक मेलाइडोगाइन का एग्जांपल है, ये आप देख रहे हैं ये जो गांठें दिखाई दे रही हैं,
तो जब L2 बाहर निकलेगा तो एपिडर्मिस से ही अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होने के बाद मेल, रिप्रोडक्शन होने के पहले L2 L3 में क्या मेल और फीमेल अलग हो जाएंगे, फिर जो फीमेल है रिप्रोडक्शन के बाद फीमेल क्या अपनी बॉडी के अंदर एग बनाना चालू करती है, उसकी जो बॉडी है उसके अंदर एग बनाना चालू करेगी, और जब एग भरेगा तो ये राउंड शेप से क्या होगी, वो ऐसे फूलना चालू हो जाएगी और गोल बन जाएगी, ऐसे गोल बन जाएगी बिल्कुल, और जब ये रूट के अंदर गोल बनेगी तो ये रूट की जो सेल्स हैं ये बाहर की तरफ ये उभार आना चालू हो जाएगा। ये रूट के अंदर पहले ये रूट नॉर्मल थे, ये ऐसी नॉर्मल रूट थी, लेकिन जब नेमेटोड अंदर गया उसका फीमेल फीमेल जो है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ एग बनने चालू हुए तो क्या हुआ कि ये गोल हुई, गोल होने के बाद क्या हुआ कि ये एपिडर्मिस से प्रेशर पड़ेगा और ये इस तरह की ये स्ट्रक्चर बनने चालू हो जाएंगे बाहर। तो ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन सभी के अंदर नेमेटोड है, और ये जो नेमेटोड है ये मेलाइडोगाइन है, और जब इसका सेक्शन काटेंगे अपन, ये लीफ का सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटने के बाद इसकी स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो ये नेमेटोड्स की जो फीमेल है, नेमेटोड की फीमेल आपको दिखाई देगी, बिल्कुल पियर के शेप की दिखाई देगी, तो ये नेमेटोड की ये सिम्टम है। ये आज जो भी डिटेक्शन और डायग्नोस के मैंने आपको ये दिखाए हैं तो ये जो विजुअल आई से दिखाई दे सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं, हैंड लेंस से आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें जो मॉलिकुलर डायग्नोस कैसा होता है, मॉलिकुलर बेस पे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको।